पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी की बात करते हैं। भारत में प्रत्यर्पण की उम्मीदों को झटका लग गया है। चौकसी ने भारत की नागरिकता को छोड़ दिया है और एंटीगा की नागरिकता ले ली है। चौकसी भारत में 13,500 करोड़ रुपयों के पीएनबी घोटाले का आरोपी है। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी ने भारतीय नागरिकता छोड़ी, प्रत्यर्पण की कोशिशों को एक बड़ा झटका लगा। चौकसी ने भारतीय पासपोर्ट सरेंडर किया, खुद को एंटीगुआ का नागरिक बताया। मेहुल चौकसी ने आज सुबह एंटीगुआ हाई कमीशन में अपना भारतीय पासपोर्ट जमा करवा दिया। चौकसी 13,500 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले का आरोपी है। इस मामले का मुख्य आरोपी उसका रिश्तेदार नीरव मोदी है। चौकसी के खिलाफ एंटीगुआ की कोर्ट में कल ही सुनवाई है, अब उसका प्रत्यर्पण और भी मुश्किल हो सकता है। पीएनबी घोटाले का खुलासा होने के बाद चौकसी एंटीगुआ भाग गया था, उसके खिलाफ इंटरपोल नोटिस जारी हो चुका है। पीएम ऑफिस ने विदेश मंत्रालय और जांच एजेंसियों से इस मामले की प्रगति रिपोर्ट मांगी है। माना जा रहा है कि चौकसी भारतीय नागरिकता छोड़कर प्रत्यर्पण की कार्रवाई से बचना चाहता है। ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियां पीएनबी स्कैम की जांच में जुटी हैं। ईडी ने अब तक मेहुल चौकसी नीरव मोदी की 4,765 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया है। उनको किसी न किसी तरीके से, ठीक है समय लग सकता है क्योंकि बहुत सारे लीगल प्रोसेस भी होते हैं जिस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, लेकिन वो निश्चित रूप से वो भारत आएंगे, कोई बचेगा नहीं।